सबसे पहले आप सब पवित्र आत्माओं को मेरा सादर चरणम चरणम गचान आज मैं पीथिवाई की टेक्निक द्वारा आपको परम जी का संदेश देना चाहती हूँ परम जी की टेक्निक पी थ्री वाई विश्व के कल्याण के लिए है कैसे इसका प्रयोग करें आप अपनी परेशानी में कैसे इसका प्रयोग करें आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ वर्तमान समय में अधिकतम लोग डिप्रेशन से परेशान हैं बच्चे बड़े रोगी कई प्रकार की चिंताएँ हैं कई प्रकार के की परेशानियां हैं और थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के सभी लोग जो है परेशान परशा, परेशान होते हैं और अधिक चिंता हो अधिक परेशानी आए तो डिप्रेशन आ जाता है अगर आदमी को डिप्रेशन आ गया तो फिर उसका जीवन बेकार हो जाता है और जीवन का आनंद ले ही नहीं सकता तो डिप्रेशन जैसी ये घातक बीमारी से आप स्वयं बचें अपने अपने बाल बच्चों को बचाएं, अपने घर वालों को भी इसका प्रयोग करना सिखाएं तो कैसे करें कैसे आप परेशानी से बच सकते हैं अपने मन को शांत रख सकते हैं और घर में सुखद वातावरण पैदा कर सकते हैं तो पी थ्री वाई परम जी का तरीका है पी थ्री वाई पी तीन बार है पहला पी परम जी परम परम जी अब कौन है ये ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर है इंटेलिजेंस सुप्रीम पावर इनसे सकल ब्रह्मांड चले हुए हैं और सबका ख्याल है इनको तो इनसे इस विद्या से लाभ लेने के लिए आपको इनके द्वारा बताई हुई विधि का प्रयोग करना होगा तो परम जी और दूसरा पी जो है यह है पपर पपर ग्यारह वाक्यों की विद्या है कहीं से नहीं ली गई है जी द्वारा प्रदत्त है ये परम जी की दोगी विद्या है दुनिया को सुखी जीवन जीने के लिए और तीसरा भी है परमयोग परम योग परमयोग बिल्कुल आसान तरीका है सबके करने का है इसमें रेगुलर करना होता है परमयोग तो वही फायदा होता है क्या करें कैसे करें प्रातः जब बिस्तर से उठें तो परम जी को नमस्कार करें परम जी का चित्र आपके वीडियो में आया होगा चित्र को ही नमस्कार करें और फिर तीन परमनाद करें परमनाद करने की विधि है डेढ़ की हड्डी सीधी गर्दन सीधी मस्तक सीधा आंखें बंद ध्यान परमजी पर जो चित्र आपके वीडियो में है उस पर ध्यान आंखें बंद दांत सटे और थोड़ी खुले खुले ऊँट सटे दांतों से धीरे धीरे सांस लें और ज़्यादा नहीं खींचें साधारण सांस लें और लेते हुए दाँत सटे ओठट थोड़े खुले ओंठों से यानी मुंह से सांस लेना है और फिर छोड़ना है नाक से नाक से छोड़ते हुए दांत खोलने ओठ बंद करने और गले से होंग की ध्वनि करनी वो होंग की ध्वनि जो है उसे नाद बोलते हैं गले से आती है और आपका परम परमजी से जुड़ती है तो ध्यान आपका परम जी पर होगा तो आपका कनेक्शन जो है वो ध्वनि नाद के माध्यम से परमजी से जुड़ता जुड़ जाता है तो क्या करें कि परम जी जब आप नाद करते हो तीन बार नाद करना है डेढ की हड्डी सीधी गर्दन सीधी मस्तक सीधा आंखें बंद ध्यान परी पर और दांत सटे ऊट खुले खुले ऊँट सटे दांतों से धीरे धीरे सांस लेना है और मुंह से धुनी करते हुए सांस को छोड़ना है जैसे ये एक बार हुआ तो जब आप सांस ले रहे थे तो मुंह से ले रहे थे सांस दांत सटे थे और थोड़े खुल्ले अब जब सांस छोड़ा आपने नाक से छोड़ना है तो उस समय आपने ऊट बंद करने और दांत खुले करने और हूं की ध्वनि करने तो एक 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 बार किया ऐसे आपने तीन बार करना है सुबह उठते ही और फिर परम जी को नमस्कार करना है अब आपने ये है एक क्रिया परमनाद दूसरी क्रिया है परम श्वास तो परम श्वास भी बैठने की स्थिति यही होगी सीधी गर्दन सीधी मस्तक सीधा आंखें बंद ध्यान पर ऊठ बंद दांत खुले खुले ऊठ और छठे दांतों से धीरे धीरे सांस को खींचना है और अब नाक से सांस जब छोड़ना है तो छोड़ते हुए ऊँग की ध्वनि करनी है तो ये परम श्वास की क्रिया भी तीन बार ही करनी है सुहा उठते ही जैसे इसमें छोड़ते हुए उनकी ध्वनि नहीं करनी और तीन बार परम श्वास की क्रिया करनी है और परम से मांगना है उसके बाद परमजी से मांगो तो ग्यारह वाक्य पत्र के हैं वो बोलने हैं जैसे परम शरण गच्छा हंसम शरण गच्छा अद्वैतम शरण गच्छा आनंदम शरण गच्छा मी चरणम शरण गच्छा हे परम जी मुझ पर कृपा करो सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ आज मेरा मन शांत रहे प्रफुल्लित रहे आनंदमय रहे मेरा मन जो मेरा काम है उसमें अधिक लगे मैं बाद विवाद में ना इच्छा इच्छापूर्ण होते ही पकर मैं आज एक रुपया परमजी को दूंगी इच्छापूर्ण होते ही पकर में आज एक नए व्यक्ति को परम श्वास की क्रिया सिखाऊंगी ये मांगा मैंने अब मुझे अपना काम करना है सारा दिन और जब घर से बाहर निकलते हो तो दरवाजे पर खड़के खड़े हो करके ही खड़े खड़े ही तीन बार परम श्वास की क्रिया करें और कहें परम जी मेरा आज का काम आपको समर्पित है अब निकलें निश्चिंत होकर निकले जो होगा परम जी जानेंगे और अगर आपका मन आज शांत रहा पहले से अधिक अच्छा महसूस किया आपने तो रात को सोने से पहले परमजी का धन्यवाद करो धन्यवाद करें कैसे ग्यारह वाक्य बोले परम शरणम गच्छामि हंसम क्षण गच्छा अद्वैतम क्षण गच्छा आनंदम क्षणम गच्छा चरणम क्षणम गच्छा ये जी मुझ पर कृपा करो सिर झुकाकर जी को नमस्कार करती हूँ आज मैंने प्रातः पपर किया था आज मेरा दिन अच्छा रहा मेरा मन शांत रहा प्रफुल्लित रहा आनंदमय रहा इच्छा पूर्ण हुई आपका बहुत बहुत धन्यवाद भविष्य में भी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें पक्कर का एक रुपया परम परमजी को शिखर दूंगी पक्कर का एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पी थ्री सिखाऊंगी ये परम श्वास सिखाऊंगी इतना बोल करके आप, आप सो जाए अगर आपको नींद नहीं आती किसी कारण से मन बेचैन रहता है रात को तो मांग लें परम जी से तो यही ग्यारह के बोले और परम जी से मांगे परम जी आज दस बजे से सुबह पाँच बजे तक मुझे अच्छी नींद आए मुझे भयानक सपने ना आए और सुबह पाँच बजे में फ्रेश होकर के उठूँ ये मांगे अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो कुछ है। ट स्वरूप बोले कुछ कि इच्छापूर्ण होते ही पकड़ में एक रुपया परंजी जी को दूंगी इच्छापूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पीथ रिवाज सिखाऊंगी तो ये आपने रात को अच्छी नींद आने के लिए वपर किया इस तरह से आप अपने अच्छी नींद के लिए भी वपर कर सकते हो अपना मन आपका शांत रहे गुस्सा ना आए और मन में प्रसन्नता रहे इसके लिए आपने रोज़ाना मांगना है परम जी से और तीन बार परम आदर करना है तीन बार आपने सुबह किया तीन बार आपने घर से बाहर निकलते हुए किया और तीन बार रात को सोने से पहले किया परम श्वास परमनाद और परम श्वास दोनों करो दोनों अच्छा रहेगा अगर कोई है या कोई टोका टोकी करने वाले है तो उसको पता ना लगे तो परमनाद ना करें परमनाद में क्योंकि आवाज़ होती है तो परम श्वास ही करें इस तरह से आप देखेंगे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा शांत रहेगा आपका गुस्सा कम हो जाएगा और आपको आनंद आएगा आपको जीवन में आनंद आएगा कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा इस तरह से आप अपने मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं कंट्रोल में रख सकते हैं और आपको कोई बेचैनी नहीं होगी हर काम में आनंद आएगा इस तरह से आप डिप्रेशन आदि मानसिक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं और ये तरीका आप घर में औरों को बता सकते हैं आप अपने बच्चों को बता सकते हैं और साथ पड़ेस में बता सकते हैं किसी को भी क्योंकि सब सुखी रहें अगर मानसिक स्थिति सबकी ठीक है तो सब काम ठीक ही होते हैं क्योंकि शरीर और मन का आपस में निष्ठ संबंध है तो एक के बिना दूसरा नहीं दूसरे के बिना दूसरा नहीं तो दोनों शारीरिक भी स्वास्थ्य चाहिए में और मानसिक भी स्वास्थ्य चाहिए और तो दोनों ठीक चलेंगे तो जीवन सुखी होगा कोई भी कठिनाई जीवन में आए तो उसका आप सरलता से सम, समाधान कर सकते हैं तो बहुत आवश्यक है आज के परिस्थिति में आज के इस युग में मानसिक संतुलन होना बहुत आवश्यक है मानसिक असंतुलन से मनुष्य का जीवन बेकार होता है यहां तक कि निराश हो जाता आदमी और आत्महत्या तक कर सकता है इसलिए ये परम श्वास की क्रिया करना हर मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत आसान है और सभी कर सकते हैं खुद भी करो औरों को भी बताओ धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद परम जी के मन को शांत रखें परम जी की कृपा पर बनी रहे चरणम शरण अच्छा